తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాలపై ఢిల్లీలో జరిగిన అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశ వివరాలను కేంద్ర జల్శక్తి మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ మీడియాకు వెల్లడిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. అడ్వైజర్ శ్రీ శ్రీరామ్ వేదిరేజీ ఉపస్థిత్ హై. హమారే జాయింట్ సెక్రటరీ ఔర్ అన్య అధికారిగణ్ భీ ఆజ్ ఇస్ ప్రెస్ వార్తా మే ఆప్ సబ్కే సామ్నే ఉపస్థిత్ హై. సాథియో హమ్ సబ్ జాంతే హై కి 2014 మే तत्कालीन आंध्र प्रदेश को दो अलग अलग राज्यों में विभक्त किया था और उसके बाद में तेलंगाना एक नए राज्य का निर्माण हुआ था. हम सब जानते हैं कि उस समय जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उस एक्ट के अनुसार दोनों राज्य नवगठित राज्यों में के बीच में जल के बंटवारे को लेकर के, उसके प्रबंधन को लेकर के एक काउंसिल की अवधारणा, जिसका चेयरमैन का दायित्व जल शक्ति मंत्री या वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर सदस्य होते हैं. पहले परिषद की काउंसिल मीटिंग जो है वो चेयरमैन का दायित्व जल शक्ति मंत्री या वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर उस समय जो होते थे उनको दिया गया और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं. पहले मीटिंग सर्वोच्च परिषद की अपेक्स काउंसिल की पहली मीटिंग जो है वो मीटिंग 2016 में आदरणीय उमा भारती जी जब मंत्री थी तब हुई थी. उसके बाद में बार बार राज्यों को लिखा भी गया था कि वो कोई एजेंडा भेजें अगर कोई मीटिंग करनी हो, लेकिन चार साल के लंबे अंतराल के बाद में आज वो मीटिंग वापस आयोजित की गई. जो एपेक्स काउंसिल एज पर एपीआरए एक्ट बनाई गई है, उस एपेक्स काउंसिल का अधिकार है कि गोदावरी और कृष्णा नदियां पर राज्यों द्वारा बनाई गई किसी भी परियोजना को फाइनल अप्रूवल देना. दूसरा, जो गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियों पर जो बोर्ड बनाए गए हैं एज पर एक्ट, उनके कामकाज की निगरानी करना, और दोनों राज्यों के बीच में यदि कोई पानी को लेकर के, बंटवारे को लेकर के अगर कोई विवाद होता है तो उसको हल करने का प्रयास करना. एपेक्स काउंसिल की दूसरी बैठक, जैसा मैंने कहा, आज आयोजित की गई. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज मीटिंग में शिरकत की है. सबसे पहले मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दोनों प्रदेशों के बीच उठे हुए सारे मुद्दों और विवादों को एक साथ बैठ करके हमने चर्चा की, और उनमें से का जो कुछ विषय जो आज की बैठक के लिए एजेंडा के लिए रूप में तय किए गए थे, उन सब को एक साथ बातचीत के माध्यम से सुलझाने और एक निष्कर्ष बिंदु तक पहुंचने में हमको सफलता मिली है. एपीआरए एक्ट 2014 के अनुसार एपेक्स काउंसिल इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने और निर्णय करने की अधिकारिणी है. गोदावरी और कृष्णा प्रबंधन बोर्ड पर दोनों राज्यों का एकाधिकार, दोनों राज्यों के अधिकार क्षेत्र का फैसला करना, यह पहला विषय था जिस पर आज चर्चा हुई थी, फर्स्ट एजेंडा आइटम था. और छह साल बाद में भी, क्योंकि उनके बन जाने के बाद में भी उनके अधिकार क्षेत्र को नोटिफाई नहीं किया गया था, हमने दोनों जो है इस पहले एजेंडा पर आज डिटेल में डेलिब्रेशन किया, डिस्कशन किया है. उसके बाद में जो दूसरा एजेंडा था, मैं सारे डिसीजन पे बात करूंगा, एक बार मैं अपनी बात कर दूं उसके बाद आपकी बात करूंगा, डोंट बीच में मत बोले. मुझे पता है आप लोगों की चिंता थोड़ा ज्यादा है तेलुगु मीडिया की. कृष्णा और गोदावरी नदियों पर दोनों राज्यों द्वारा क्रमशः नई परियोजनाओं की डीपीआर प्रस्तुत करना, क्योंकि एज पर एक्ट डीपीआरस आर टू बी सबमिटेड, जो है पहले डीपीआरस को कृष्णा और गोदावरी रेस्पेक्टिव बोर्ड को सबमिट करना चाहिए, उनको अप्रेज करने के बाद में उन जो है वो एपेक्स काउंसिल में आकर के एपेक्स काउंसिल की अनुमति के बाद में ही दूसरा नया प्रोजेक्ट जो है वो प्रारंभ करना चाहिए. इसके ऊपर जो है दोनों राज्यों से आग्रह करना और वो सबमिट करें, ऐसा किया जाना दूसरा एजेंडा आइटम था. इसी क्रम में जो तीसरा एजेंडा आइटम जिस पर विचार किया जाना था वो था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों राज्यों के बीच
गोदावरी और कृष्णा इन दोनों नदियों के जल बंटवारे का एक फूल प्रूफ मैकेनिज्म बने, इसको लेकर के विचार करना, ये तीसरा एजेंडा आइटम था। और चौथा एजेंडा आइटम जो इस बैठक में आज निश्चित किया गया था, वो चौथा एजेंडा आइटम था कि जो एज पर एपीआरए एक्ट कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, इसका मुख्यालय हैदराबाद से आंध्र प्रदेश में शिफ्ट करना, इन चार एजेंडा आइटम्स को हमने रखा था। और इन चारों ही एजेंडा आइटम्स पर हमने अपनी आज बातचीत करके और फैसला किया है। केआरएमबी और जीआरएमबी दोनों के क्षेत्राधिकार को केंद्र नोटिफाई करेगा एज पर द एक्ट जो है, उस एक्ट के सेंटर इज एम्पावर्ड कि हम उसको नोटिफाई करें। हमने दोनों स्टेट से इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया, दोनों स्टेट्स ने अपने डिस्कशंस के आधार पर अपने अपने विषय रखे। हालांकि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपना विरोध व्यक्त किया, लेकिन हमने उनको भी बात किया कि जो है ये केंद्र सरकार का अधिकार है, हम ये चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों का उपयोग करने से पहले इसको कंसेंसस बनाएं और उस कंसेंसस के आधार पर निर्णय हो, ले हम इसको नोटिफाई करेंगे, ये हमने तय किया। दूसरा जो है वो जो भी परियोजना शुरू की जाए उसकी डीपीआर भेजी जाए जैसा मैंने कहा, और डीपीआर का इवेल्युएशन हो। दोनों प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने इस बात के लिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बात के लिए दोनों ने सहमति जताई है कि हम तुरंत डीपीआर जो है वो इवेल्युएशन के लिए भेज देंगे। तीसरा विषय जो मैंने कहा कि कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी के बंटवारे पर, तीसरा जो है कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के जो 2014 में और उसके बाद में 2018 में जो तेलंगाना स्टेट ने जो रिक्वेस्ट भेजा था कि इसको 5(3) में ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाना चाहिए, सेक्शन 3 में ट्रिब्यूनल को रेफर किया जाना चाहिए, सेक्शन 3 में ट्रिब्यूनल को रेफर करने के लिए मैंने आज उनको आश्वस्त किया है, क्योंकि ये मैटर सब्जिडाइज है, सुप्रीम कोर्ट में पहले से तेलंगाना स्टेट इसको लेकर के गई है, इसलिए उस परिस्थिति में हमको इसे जो है रेफर करना ट्रिब्यूनल को संभव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना ने यह विश्वास दिलाया कि हम विश्वास दिलाते हैं कि हम तो इसको सुप्रीम कोर्ट से इस केस को विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ करने के बाद में हम जैसे ही वो एश्योरेंस देंगे, विड्रॉ करने का राइटिंग में कमिटमेंट भेजेंगे, हम इसको लीगली एग्जामिन कराएंगे कि इसको नया ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए या एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल जो इस पे काम कर रहा है उसी को इसी टर्म ऑफ रेफरेंस देकर के उसको यह काम दिया जाना चाहिए। जो भी विधिक राय आएगी उसके अनुरूप हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और चौथा विषय जो मैंने आपसे कहा कि गोदावरी नदी के पानी को दोनों राज्यों के में बंटवारे को लेकर के और एक ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए एज पर जो इंटर रिवर पीआरए एक्ट, उसको ट्रांसफर शिफ्ट करके और उसको जो है आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से शिफ्ट करके आंध्र प्रदेश भेजा जाए, उसके ऊपर सहमति बन गई है, दोनों राज्यों ने उसके ऊपर अपनी सहमति व्यक्त की है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जस्ट अ मिनट एक सेकंड शांति तो रखो भाई, मैं वही काम कर रहा हूँ यार। आई मस्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू for coming here physically on the invitation of Jal Shakti Ministry. Let me introduce my officers sitting with me, my Secretary UP Singh Ji, Additional Secretary Debashri Ji, Advisor in the Ministry Shriram Vedire Ji, and our Joint Secretary Sanjay Awasthi Ji, all are present here along with me. The state of Andhra Pradesh was bifurcated in 2014 into two states, and Telangana has emerged as a new state in the country. We all are aware that Apex Council was set up by the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, and Union Minister of Jal Shakti, then Union Minister of Water Resources, was declared a chairman, and the both chief ministers of both the states were appointed as members in the council. The Apex Council is mandated to approve any new project planned by both the states on the river Godavari and Krishna. To supervise the functioning of Godavari and Krishna management boards, and the third is to resolve any dispute
arising out of sharing of waters between both the states. The first meeting of Apex Council was held in the year 2016, and the second meeting after a considerable period. It has been organized today, and I must thank both the chief ministers. They attended meeting through VC, and in the second meeting we have capped four agenda items. Firstly, I am glad to say that we were able to bring both the states having differences on the water sharing, the management of the shared dams. We sat together after a long period, we deliberated at length, we tried to understand the issues of both the states, their stance, and we have discussed at length and we have listened both the states, their viewpoints. And today we capped four agenda items for the meeting. The first agenda item was that to deliberate upon is to decide the jurisdiction of both Godavari River Management Board and the Krishna River Management Board. After 6 years, this could not be notified because of the states were not having consensus. The second agenda item, which was decided, was the submission of DPRs and. The submission of DPR, the second agenda item was submission of DPRs of new projects designed and desired to be developed by both the states. Third agenda item, which was supposed to be deliberated, was establishing a mechanism for the share of Krishna and Godavari rivers between the states. And the fourth agenda item which was to be discussed was the relocation of Krishna River Management Board from present location. Its present location is in Hyderabad, from Hyderabad to in the state of Andhra Pradesh. So all the four agenda items we have discussed at length, and I am so glad that after having discussions on all the issues, we were almost at consensus on, among the states. We were able to make consensus. The first decision which was taken today was center will go ahead with notifying the jurisdiction of both KRMB and GRMB. Though Telangana CM dissented on this, but as per the APRA Act of 2014, no consensus is needed. Hence, center will notify it, and this has been informed to the Chief Minister during the meeting, and he also have desired, then you can go ahead. The second was that both Chief Ministers have agreed to submit DPRs of all the new projects taken up by their respective states. Honorable, myself have assured that the technical appraisal of all the projects will be done in the shortest possible timeline. With regard of sharing of river waters between both the states, both the Godavari and Krishna rivers, CM of Telangana agreed to withdraw the case they filed in Supreme Court, and they have consented that they will send the consent of withdrawing by tomorrow only. They filed in the Supreme Court, and the center enabled center to move forward on referring the water sharing issues to the tribunal under Section 3 of ISRWD Act of 1956 after taking due legal opinion. The fourth agenda item, which was concluded as with regards of sharing of river Godavari waters between both the states were asked to send the request to center so that that center can move forward to refer the tribunal under Section 3 of Interstate River Dispute Act 1956. Telangana CM said that he would send the request to center in a day. And the fifth item was the relocation of KRMB board, which has been agreed by both the states. So what I feel is, and I happily wish to share with all of you, that the very productive meeting with of the Apex Council was held today. We had discussed at length, and all of us were on the same page that ultimately we will have to, as an elected government, it is our
ड्यूटी टू सर्व द पीपल इन राइटफुल एंड लेजिटिमेट मैनर. थैंक यू. That is to be decided by tribunal and implemented by the boards. That water share between the states are to be decided by the tribunal. Project wise, sir? Naturally, project wise, and that is to be implemented by the relevant board. And we have to empower. I have requested both the chief ministers to empower the board so that these operation and maintenance related issues doesn't arise. What about Rayalaseema? I think I have asked you that these are the four points which we have discussed. Not apart from these, any new project, if any state, either of the state, they take it, they will have to do comply with all the statutory compliances and the procedures. Sir, this Krishna water dispute. Let others speak. Yeah. The Krishna water dispute issue. You will refer to new tribunal. That I have already told you that after having legal opinion whether this existing tribunal can be given TOR or a new tribunal is required to set up, we will take the decision. Sir, Telangana Krishna River mein 578 क्योंकि मुझे लगता है कि ये विषय आज की मीटिंग का नहीं था, इसके लिए इसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए. सर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इज आस्किंग फॉर ऑपरेशनल कंट्रोल फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट्स. सी, ऑपरेशन एंड कंट्रोल एज पर द एक्ट इज टू बी डन बाय द रेस्पेक्टिव बोर्ड एंड वी हैव डिसाइडेड टू नोटिफाई एंड आफ्टर नोटिफाइंग दीज कंट्रोल आर टू बी प्राइमरीली टू बी लुक्ड आफ्टर बाय द रेलेवेंट बोर्ड्स. Both the states, if they, as they have agreed upon and they have sent that they will send a proposal, certainly we will consider. Godavari port, aap iske kedar hota hai, jidhar hota hai, vidhar hi rahega. Usko nahi badlenge. Act mein nahi likha hua hai badalne ka. Sir, recently Andhra CM met you regarding the Polavaram funds. He wants to expedite the release of the funds because they want to complete the project. See, Polavaram project par, the money what we gives is on reimbursement mode. Whatever bills they have submitted, we have already cleared. We also wish, being a national project and a commitment of our Honorable Prime Minister Modi ji, that this project should be completed in the shortest span. They have to increase the speed of work, and whenever they will submit bill, we will certainly do it positively in the shortest time. Sir, are you going to visit the project, sir? Certainly, I must go. I should go. Because of the COVID, I could not go, but I am planning to go in the end of this month or in the beginning of next month. So are you confident that all issues will be sorted out and will be resolved permanently, completely? See, I should not say because I am not a god, but but all the issues, because issues will remain always. But what I feel is, if we sit regularly and periodically, the issues are not piled up. So we have resolved today that the Apex Council meeting should be. I have proposed, and I am thankful to both the chief ministers, that this meeting of this council should be organized at least once a year. Sir, Andhra CM wants Godavari and Kaveri linkage. Is there any plan? See, well, that was not the point to be discussed today, so I must not speak. Uske liye alag se baat karenge. Sir, when will you constitute permanent water dispute tribunal? Already you have passed the bills in both. So that is still to be passed by the Rajya Sabha. Let the Rajya Sabha pass it, and then it automatically it will be there. Sir, 2015 mein Krishna water tribunal judgment kiya, wo abhi tak not tried. Supreme Court ne stay kar rakha hai. सर, जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे पे मुझे बोलना चाहिए क्या? सर, ये रायलसीमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ कंप्लेंट किया?